नमस्कार, वीरी टीवी उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश उन्नाव में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर जिले के दीनदयाल स्पोर्ट्स स्टेडियम में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी रविंद्र कुमार ने शहर के सम्राट नागरिकों प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में योगा दिवस पर प्रशिक्षक के निर्देशों के अनुरूप योग करा। योग दिवस पर जिले के सभी अधिकारी डीएम एसपी सीडीओ द्वारा योगा दिवस पर योग कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी तरह शकुन सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष उन्नाव के आध्या रिजॉर्ट में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की संख्या में आम नागरिक और सदस्य जिला पंचायत तथा बीजेपी पार्टी के कई पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं बांगरमऊ के विधायक श्रीकांत कटियार ने इंदिरा गांधी डिग्री कॉलेज में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया। अनिल सिंह विधायक पूर्वा द्वारा कंचनपुर स्थित कार्यालय परिसर में आयोजित हुआ। पंकज गुप्ता सदर विधायक द्वारा शहर के बाईपास स्थित क्लासिक लोन में योग किया गया। इसी कड़ी में भारत सरकार के निर्देश पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के राहत आयुक्त सहित तमाम पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी महुआ पहुंचे। पीएम मोदी के संबोधन के बाद योगाचार्यों द्वारा करीब एक घंटे तक सभी प्रशासनिक अधिकारियों, नागरिकों, समाज सेवियों व छात्र छात्राओं को योगाभ्यास कराते हुए स्वस्थ रहने का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर सभी ने सूर्य को नमस्कार करते हुए करीब एक घंटे तक योगाभ्यास कर पीएम मोदी के अभियान को सफल बनाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि यहाँ के पर्यटन विकास को बढ़ावा देने का लगातार प्रयास किया जा रहा है। आज इस योग दिवस के अवसर पर सभी से निरंतर योग करने की अपील की गई, तो वहीं पुलिस अधीक्षक सुधा सिंह ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर सभी को यह प्रण लेना चाहिए कि अगर हम सभी को स्वस्थ रहना है तो योग अवश्य करना है। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत 21 जून को क्राइस्ट चर्च पीजी कॉलेज में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर महाविद्यालय में योगा सत्र का आयोजन किया गया। इसका आरंभ कॉलेज के उप प्राचार्य डॉक्टर सबीना बोदरा तथा एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर सुनीता वर्मा के निर्देशन में हुआ। डॉक्टर जुनेजा भी उपस्थित रहे। इसके उपरांत आए हुए योग प्रशिक्षक डॉक्टर बी एन आचार्य तथा योगाचार्य पूनम वाजपेयी, उनके सहयोगी मानवी तथा शिवा द्वारा योग सत्र को प्रारंभ किया गया। आज 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्टेडियम में योग का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में सर्वप्रथम माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ, जिसको सभी लोगों ने सुना और उनसे प्रेरणा लिया। इसके बाद योग गुरु गुरु पाराशर जी आए थे, उनके द्वारा योगा कराया गया। योग हम सब के लिए बहुत लाभकारी है, सभी को करना चाहिए। आज इस आयोजन पर जितने लोग भी यहाँ पर हमारे शहर के सम्मानित लोग आए थे, कुछ बच्चे आए थे, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आकर उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया और अपने जीवन में एक नई प्रेरणा जागृत की। मैम, किस तरह संदेश देंगी आप अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर? आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मेरी तरफ से सभी महोबा के नगरवासियों को, जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएँ। ये योग को अपने नित्य प्रति के जीवन का हिस्सा बनाएं और इससे निरोग रहें। करें योग, रहे निरोग। धन्यवाद। कार्यक्रम का और क्या संदेश दिया गया आज महोबा स्टेडियम से? माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो ये अंतर्राष्ट्रीय युवाओं के माध्यम से जो पूरा योग दिवस का शुरुआत की गई, उसमें महोबा ने भी आज 8वें योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर पार्टिसिपेट किया। और भगवान सूर्य का जो रहलिया सूर्य मंदिर है, वो हिंदुस्तान के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। उससे एनर्जी प्राप्त करते हुए हम लोग इसको महोबा में सूर्य मंदिर को आगे बढ़ाते हुए योग दिवस की एनर्जी को उससे कनेक्ट कर रहे हैं। और हम यहाँ के जितने भी पर्यटन के स्थल हैं, चाहे वो कीरत सागर, मदन सागर, आपका विभिन्न शिलाओं का है, कल्प वृक्ष का है, आपका जो भी यहाँ पर चीज़ें हैं, चरखारी है, यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी पर्यटन की चीज़ें हैं। तो वो भगवान सूर्य के इस आशीर्वाद को लेते हुए हम महोबा को आगे बढ़ा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उसे कनेक्ट करते हुए सभी के लिए आज का धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। थैंक यू। आज 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस महोबा जनपद में बड़े ही उत्साहपूर्वक मनाया गया। हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन से भी जुड़े, जो मैसूर में हुआ। उसके अलावा बड़ी संख्या में स्टेडियम में आज यहाँ के महोबा के नागरिकगण उन्होंने प्रतिभाग किया। जिला प्रशासन ने जिलाधिकारी के कुशल नेतृत्व में बहुत ही अच्छा आयोजन किया था और योग के सभी पहलुओं से लोगों को परिचित कराया गया। और मुझे पूरा विश्वास है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन से जो इसकी मंशा है,
जो माननीय मुख्यमंत्री जी के माननीय प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है कि योग जो है जनमानस से जुड़े और योग की पताका जो है पूरे विश्व में फहरा रही है और हम देशवासियों को जब योग से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से देश के विकास में हम योगदान देंगे। ये मैम आज इंटरनेशनल योगा दिवस आज मैं डॉक्टर सुनीता वर्मा डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी NSS यूनिट की प्रोग्राम ऑफिसर। आज हमने क्राइस्टचर्च कॉलेज के रेनबो हॉल में योगा डे अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस का सेलिब्रेशन किया है। इसमें हमारे शहर के प्रतिष्ठित डॉक्टर BN आचार्य जी और योगाचार्य जी मिसेस पूनम आशुतोष वाजपेयी जी, हमने उनको निमंत्रित किया है जिससे वो हमारे बच्चों को योगा के बारे में शिक्षित कर सकें। वैसे योगा डे हम लोग पूरे महीने भर से मना रहे हैं, योगा डे नहीं, योगा बच्चों को सिखाया जा रहा है, ट्रेन किया जा रहा है जिससे आज उन्होंने योगा करने से शरीर के लिए क्या क्या लाभ होते हैं। योगा करने से आप कह सकते हैं कि संपूर्ण शरीर का मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सही होता है। जो योगा है वो शरीर को निरोगी करता है। जब हमारा शरीर निरोगी होगा तब हमारा मस्तिष्क हमारी पढ़ाई में बच्चे कंसंट्रेट कर पाएंगे। क्या आपके कॉलेज में ऐसे योगा हमेशा बनाया जाएगा? हाँ यस, हाँ आज मैम ने संकल्प दिलाया है और वैसे मैम के संकल्प से पहले भी हमारे कॉलेज में बच्चे योगा की प्रैक्टिस करते रहते हैं। उनके लिए योगा सेशन हम लोग अरेंज करते रहते हैं क्योंकि निरोगी शरीर से अगर बच्चा स्वस्थ होगा तो समाज स्वस्थ होगा और समाज स्वस्थ होगा तो एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो पाएगा अगर सभी लोग योगा को अपनी भारतीय जीवन शैली में अपनाएं। क्योंकि मैं पूनम वाजपेयी योगाचार्य और एकीकरण मास्टर हूँ। आज मैं क्राइस्टचर्च कॉलेज में आई हुई हूँ और BN आचार्य सर हमारे साथ में हैं आरोग्य भारती की तरफ से भी। तो आज हम लोगों ने यहाँ पर योग कराया है और वाकई यहाँ का माहौल देखकर बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। खुशी तब हुई जब ये जान करके यहाँ पर पिछली बार जब आई थी उसके बाद से यहाँ पर योगा का सेशन लगातार चल रहा है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि यहाँ के बच्चे योग को अपनी जीवन शैली में, अपनी दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं। इसलिए आज मैं यहाँ पर विश्व योग दिवस, अष्टम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में फिर से यहाँ पर आई हूँ और फिर से संकल्प दिलाया कि यहाँ का हर बच्चा प्रतिदिन योग को अपने जीवन में अपनाएगा क्योंकि योग करने से हमारा पूरा शरीर स्वस्थ होता है। हम शारीरिक रूप से ही नहीं, पूरा मानसिक रूप से और भावनात्मक और संवेगात्मक और सामाजिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। इसलिए करें योग, रहें निरोग। उन्नाव से मोहम्मद अब्बास, महोबा से रशीद कुरैशी और कानपुर से हैदर अली की रिपोर्ट।